दोस्तों आज हम आप लोगों को दिखाएंगे मशरूम की फार्मिंग, वो भी वाराणसी में। दोस्तों वाराणसी ये पूरा प्लांट इनका यहाँ है, और पिछली बार जब मैं आया था इनके यहाँ वीडियो बनाने दोस्तों, तो है बिजली से काम चलता था, लेकिन अभी जो है सोलर पैनल से जो दोस्तों हम देख रहे हैं कि व्यवस्था इन्होंने कर रखा है। तो आइए दोस्तों हम लोग जो है एंट्री करते हैं आप भैया के मशरूम फार्म में, और यहाँ से देखिए जब एंट्री करेंगे आप लोग तो दरवाजे को क्लोज करना होता है, क्योंकि टेम्परेचर जो है इसका। तो भैया ये अभी कितने दिन का हुआ आपका? भैया ये अभी क्या कहते हैं अपना दूसरा फ्लश शेड टूटने वाला है। ये दूसरा वाला है अभी? हाँ। अच्छा अच्छा, तो भैया आप पहले आपका एक छोटा सा परिचय हो जाता भैया। मेरा नाम सोहम है। जी जी, और अपना यही व्यवसाय है भैया? हाँ। कि कुछ और साइड बिजनेस है? नहीं फिलहाल के लिए तो यही है। जी जी भैया। अच्छा भैया, मशरूम बेसिकली होता क्या है? मशरूम तो एक खाने की चीज़ है, सब्जी है, फंगस है, एक तरह से फंगस की प्रकार है। ये वाइट बटन मशरूम है। अच्छा, वेराइटी इसकी वाइट बटन मशरूम है ना भैया? हाँ। अच्छा भैया, मशरूम की हम बात कर लें तो कोई एक बेसिक सी चीज़ हमको बता दीजिए, तो करने के लिए इसकी फार्मिंग हमारे पास क्या होना ज़रूरी है? देखिए कंपोस्ट आपका अच्छा होना चाहिए। हाँ। तभी आप इसको बढ़िया से कर सकते हैं। ठीक है। कंपोस्ट बढ़िया बनेगी तो बढ़िया आपका प्रोडक्शन निकलेगा। जी जी भैया, और बाकी कोकोपीट वगैरह हम देख रहे हैं इसमें है ऊपर? हाँ, कोकोपीट का इस्तेमाल होता है। जी जी। हाँ। तो इसमें बात कर लिया जाए भैया। हाँ। तो मान लीजिए इसमें कितने लेयर तक कोकोपीट है और कितने में कंपोस्ट है? कंपोस्ट देखेंगे तो लगभग लगभग 10 इंची के आसपास आपका क्या कहते हैं कंपोस्ट है, 1.5 इंची 2 इंची पड़ती है आपकी। इसमें 10 इंची तक कंपोस्ट है ना भैया? हाँ, 10 किलो का एक बैग है। अच्छा, ये 10 केजी का एक बैग है? हाँ। अच्छा अच्छा, तो भैया अच्छा यहाँ तक कंपोस्ट है ना? हाँ हाँ। जी जी, और इसके नीचे ऊपर वो केसिंग कोकोपीट है ना भैया? हाँ। कितने दिन में तैयार हो जाती है आपकी? ये आपका तैयार होता है लगभग 2 महीना लग जाता है प्रोडक्शन स्टार्ट होने में, और लगभग क्या कहते हैं 18 से 25 दिन तक आपका माल निकलता है, यानी टोटल 2.5 महीने से ऊपर का ये साइकिल है। पूरा 2.5 से 3 महीने का साइकिल, 3 महीने रख लीजिए पूरा। हाँ। तो नहीं भैया, हम ये कह रहे हैं कि जैसे ये कंपोस्ट है। हाँ। ठीक है, तो इसमें आप जो मशरूम डालेंगे। हाँ। ये कितने दिन में तैयार हो जाएगा डालने से लेके बीज डालेंगे? बीज डालने से लेकर लगभग क्या कहते हैं 1 महीने बाद हार्वेस्टिंग चालू होगी, हो जाएगी। तो भैया हमारे किसानों को एक आप मशवरा ये दे दीजिए। हाँ। यदि वो मशरूम की खेती करना चाहते हैं तो कैसे स्टार्ट करें तथा क्या सावधानी बरतें हैं? देखिए पहले स्टार्ट करने से पहले तो आप ट्रेनिंग लीजिए अच्छे से। जी जी, बखूबी। हाँ, आप ये खुद जानेंगे कि ये कैसे उगेगा, कैसे उगाते हैं इसको, कैसी पैदावार लेते हैं। जी जी। 16x40 का कमरा आप बता रहे थे? 16x40। 16x40 का, तो अनुमानित 16x40 के कमरे को स्टार्ट करने के लिए एक कमरे में कितना लगभग लोगों को बजट बनाना पड़ेगा? लगभग 10 से 12 लाख के आसपास, 12 से 13 लाख। हाँ, 12-13 लाख के आसपास का खर्चा लगेगा। ठीक है। तो भैया जैसे कंपोस्ट आप लोग लाते हैं वहाँ चैम्बर निकाल के वहाँ से? हाँ हाँ। तो उसके बाद यहाँ इसको कितने दिन तक रखते हैं इसमें बीज डाल के? भैया बीज डालने के 1 महीने बाद से माल चालू हो जाता है। 1 महीने बाद से? हाँ। तो कितने दिन में वो जो अंकुर होकर बाहर निकल जाता है भैया? लगभग वही 35 दिन के आसपास। 35 दिन के आसपास निकल के बाहर अंकुर हो जाता है। और वही बताएं आपकी एक मशरूम का लाइफ जो है 2.5 से 3 महीने? मतलब एक मशरूम का नहीं आपका? हाँ वही, मतलब पूरा कंपोस्ट का? पूरा कंपोस्ट का 2.5 से 3 महीने। सुझाव देना चाहेंगे किसानों को कि यदि वो कंपोस्ट खरीद के लाएं या फिर बनाएं खुद का? देखिए अगर लंबे पैमाने पर करना है तो बनाना पड़ेगा जी, अगर छोटे पैमाने पर करना है तो आप खरीद सकते हैं अगल बगल से। तो खरीद सकते, DMR सोलन जा सकते हैं, हिमाचल प्रदेश डायरेक्टरेट ऑफ मशरूम एंड रिसर्च सेंटर। जी जी। हाँ, तो वहाँ पर ट्रेनिंग इसकी होती है, वहाँ से अच्छा, ट्रेनिंग ले सकते हैं। वहाँ पे ट्रेनिंग होती है भैया? हाँ हाँ। तो आप ट्रेनिंग उनिंग लिए थे भैया? हमारी मम्मी ली थी 20 साल पहले, तो हम तो उन्हीं से सीख गए। तो आपका फॉर्म 30 साल पुराना है? लगभग लगभग 20 साल पुराना है। 20 से 25 साल हो गए। अच्छा अच्छा, तो मतलब आपकी माता जी स्टार्ट करी? हाँ। उसके बाद आप में कोई रोग वगैरह लगता हो तो बता दीजिए। जी बिल्कुल, रोग तो इतने हैं कि हम कहते कहते जैसे कोई दो चार रोग बता दीजिए। ग्रीन मोल्ड होता है, येलो मोल्ड होता है, आपका फॉल्स ट्रफल होता है। तो इसमें ग्रीन वाले में क्या होता है भैया? ग्रीन मोल्ड में मशरूम की पैदावार काफी कम हो जाती है। हाँ, बीमारी है एक तरह से,
मशरूम के लिए, और काफी नुकसान हो जाता है। जी जी, येलो वाले में तो हम देखते हैं कि जैसे यह सफेद रहता है वो पूरा पीला हो जाता है, खराब हो जाता है। बहुत सारी चीजें हैं, येलो मोल्ड ज्यादातर कंपोस्ट में आता है। अच्छा, कंपोस्ट में ही। इसी वजह से इसको 60 डिग्री टेम्परेचर पे भी पॉस्चराइज करते हैं ताकि इसमें जो भी बैक्टीरिया वगैरह हो सब समाप्त। हाँ, लेकिन उसके बावजूद भी आ जाता है तो प्रॉब्लम तब भी रहती है। जी जी, तो उसके लिए कोई बचाव वगैरह जैसे दवा वगैरह कुछ? देखिए, दवा वगैरह तो है, लेकिन ये है कि आप हाइजीन मेंटेन करिए। हाँ, अपने फार्म में तो अपने इसमें मतलब किसी को बेसिकली आने होने न दीजिए, चप्पल जूता पहनकर भी कुछ हाइजीन का अच्छे से ध्यान दीजिए। सीधा इसमें कुछ सिंचाई वगैरह के विषय में? हाँ, पानी पड़ता रहता है समय अनुसार और कंडीशन अनुसार। हाँ हाँ, कुछ साइज वगैरह आप बता दीजिए एक बार कि कैसा होना चाहिए। ये 16x40 का है। हाँ, इसमें लगभग 1500 बैग आते हैं। इसमें 1500 बैग आते हैं? हाँ, 1500 बैग। हाँ हाँ, और लगभग कितना उत्पादन एक कमरे से ले सकते हैं आप? जैसे एक सीजन भाई 3 वाला 2.5 महीने वाला जो आप बता रहे थे, तो कितना उत्पादन ले सकते हैं भैया? लगभग 2500 से 3000 किलो ले सकते हैं आप। 2500 से 3000 किलो? हाँ। तो भैया आप लोग रेट वोट क्या सेल करते हैं यहाँ से? और रेट तो भैया मंडी के हिसाब से ही चलता है। जैसे इस समय हम लोग ले लें भैया, इस समय क्या कहते हैं मार्केट 120-130 चल रहा है। 120-130? अच्छा, 120-130 रुपए में कितने, आधे केजी वाला या एक किलो? एक केजी वाला। हाँ, 120-130 रुपए किलो। जी जी भैया, तो एक अनुमानित भैया जैसे इस एक बैग से लगभग कितने केजी आप ले लेंगे उत्पादन? लगभग क्या कहते हैं 1.5 से 2 किलो। 1.5 से 2 किलो? हाँ। तो मान लीजिए कि 2 केजी ही रख लिया जाए भैया, तो आप 300 तक मान लीजिए अच्छे दाम मिल जाए तो 300 रुपए एक फसल में ले लेंगे एक बैग से। और खर्च भैया कुछ अनुमानित नहीं होता है ना इसका कि कितना खर्च ऊपर नीचे होता रहता है? अब डिपेंड करता है रॉ मटेरियल आपका कितने का आया है। जी, जबकि आप तो खुद बनाते हैं कंपोस्ट वगैरह अपने यहां, तब भी खर्च ऊपर नीचे होता रहता है। जी जी भैया। अच्छा भैया, हम बात कर लेंगे कि किस मौसम में इसकी, मतलब कोई मौसम भी मायने रखता है क्या इसकी उत्पादन में और इसकी कम उत्पादन होने में? हाँ, मौसम में फर्क आता है। जी जी, मौसम के हिसाब से ऊपर नीचे थोड़ा बहुत होता रहता है। फेवरेबल मौसम तो वही नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी जी जी मार्च तक है। अच्छा, उसी समय ना? हाँ, ठीक है भैया। और भैया जैसे खुले में इसकी खेती की जा सकती है क्या? खुले में झोपड़ियों में लोग करते हैं। झोपड़ियों में? हाँ, ऊपर पानी का छिड़काव उड़काव करके बराबर? हाँ, भैया हाँ, लेकिन वो ठंडी के ही मौसम में होता है। ठंड के मौसम में? हाँ, गर्मी में सक्सेस नहीं है? नहीं। अच्छा अच्छा भैया, जैसे आप हम देख रहे हैं कि ये लोहे की ग्रिल वगैरह लगाए हुए हैं आप, और ऊपर एसी का सेटअप स्लैब उलैब डला है, तो मान लीजिए स्लैब वगैरह तो नहीं खराब होता है, लेकिन क्या ये लोहे के एंगल्स जो आप लगाए हुए हैं 20-25 साल तक चल जाते हैं? इसकी लाइफ 25 साल तक आराम से? हाँ, 25-30 साल अगर आप मेंटेन करें तो उससे ज्यादा भी कर सकते हैं। जी जी भैया। और एसी वगैरह में भैया जैसे कितने टन का आप लगाए हैं अपने यहाँ? लगभग क्या कहते हैं 16x40 है, लगभग 5.5 टन का लगाए। 5.5 टन का लगाए हैं, और इसी के पाइप के माध्यम से सारे रूम में जो है आप सप्लाई दिए हुए हैं? क्या बोलते हैं भैया इसको? डक्टिंग। डक्टिंग? हाँ। अच्छा, इसी के माध्यम से पूरा आप सप्लाई देते हैं? हाँ। जी भैया। भैया हमारे भारत में जैसे बटन मशरूम ही, व्हाइट बटन मशरूम ही लोग खेती करते हैं, इसके पीछे भैया कुछ कारण? इसका कारण ये है कि इसी की मार्केट है। हाँ। जी। और ऑयस्टर भी होता है, लेकिन वो सबकी मार्केट नहीं। हाँ हाँ। ज्यादा तक यही बिकता है। जी भैया, बटन मशरूम ही। अच्छा, मशरूम कितने टाइप के होते हैं भैया? भैया मशरूम तो ऐसे बहुत प्रकार के होते हैं। हाँ। बटन है, फिर उसका ब्राउन बटन है, फिर ऑयस्टर है, फिर पिंक ऑयस्टर है, किंग ऑयस्टर है। जी, बहुत सारे हैं। तो इसका बीज भैया का क्या रेट का मिलता है? बीज लगभग 100 रुपए किलो, 120 रुपए किलो के आसपास। 100-120 रुपए केजी? हाँ। जी। अच्छा, एक बीज में भैया यही एक जैसे है ये ऐसा ही निकलता होगा? नहीं, ये क्या होता है, वो जाला होता है, वो जाला की तरह फैलता है कंपोस्ट में। तो जैसे एक अनुमानित होगा ना कि एक कंपोस्ट में कितना बीज डालना चाहिए? हाँ, लगभग क्या कहते हैं 10 किलो में 100 ग्राम डलता है। 10 किलो के कंपोस्ट में 100 ग्राम? हाँ। मतलब 1 किलो बीज तो काफी हो जाता होगा? हाँ हाँ, तो मतलब इसका बीज सस्ता मिलता है बेसिकली? हाँ। अच्छा, जैसे कि टेम्परेचर इसका कितना रहना चाहिए, मशरूम की क्षेत्र कितना रहना चाहिए? टेम्परेचर भैया समय अनुसार बदलता रहता है, हाँ, कंडीशन के हिसाब से। जी जी। हाँ, जैसे इस समय ले लिया जाए भैया कितना रहना चाहिए? इस समय लगभग इसका 15-16 है। 15-16? जी। अच्छा भैया, माना जाता है कि बीज जब कंपोस्ट में डाला जाता है, हाँ, तो उस समय इसका टेम्परेचर कुछ अलग रहता है? हाँ। फिर जब ये निकलता है तो उसका क्या है करना? जैसे जब बीज डाला जाता है लगभग इसको 25-26 रखते हैं, और जब मशरूम का उत्पादन चालू हो जाता है तो टेम्परेचर कम ज्यादा कर दिया जाए
क्या फूटने उठने की संभावना है? हाँ, तो पैदावार नहीं आएगी सही से, पैदावार सही से नहीं आ पाती होगी। जी भैया, अच्छा भैया, हमारे देश में जैसे कि ड्रैगन फ्रूट वगैरह स्ट्रॉबेरी की खेती भी लोग करते हैं, तो आपने मशरूम ही क्यों चुना भैया? खैर, मशरूम तो काफी पहले से, क्या कहते हैं, हमारी मम्मी करती आ रही, तो हम उसको आगे बढ़ा रहे हैं फिलहाल। लेकिन ये है कि कंक्लूजन यही है कि बहुत रिस्की वो है फसल इसकी, खराब होने का चांस बहुत होता है जी। ये है कि किसी गाइडेंस के अंडर में ही करें या आप खुद ट्रेनिंग लेके खुद करें सीख के, क्योंकि क्या रहता है कि इसमें बीमारियों का बहुत डर रहता है। हमारे भी कमरे गड़बड़ आ जाते हैं, इतने साल हो गए हैं फिर भी जी। तो ये है कि सावधानी पूर्वक करना चाहिए इसको, इसको सावधानी पूर्वक करना चाहिए। तो भैया, एक बार हमको कंपोस्ट का पूरी विधि बता दीजिए कि किस प्रकार से बनाया जाता है, कैसे क्या किया जाता है। जैसे यहाँ से हम लोग स्टार्ट करेंगे तो कैसे होता है ये? कंपोस्ट को पहले भिगाया गया है जी जी, उसके बाद क्या कहते हैं कि इसमें मटेरियल ऐड किया गया है। मटेरियल मतलब जैसे क्या भैया? इसमें चिकन बीट हो गया आपका, क्या कहते हैं, चोकर हो गया आपका, खली हो गया जी, आपका क्या कहते हैं, जिप्सम हो गया, ये सब ऐड किया गया है। अच्छा, ये सब ऐड करके वहाँ से जो है उठा के पीसने लाया जाता है? हाँ हाँ, ये बंकर कहलाता है। अच्छा, बंकर। तो ये हम बंकर देख रहे हैं, आप तीन खानों में बनाए हुए हैं? दो खाना है। अच्छा, ये दो है। हाँ, और वो कंपोस्ट है। अच्छा, ये कंपोस्ट है ना। अच्छा ठीक है, तो फिर भैया वहाँ से लाने के बाद यहाँ क्या किया जाता है प्रोसेस? यहाँ पर लगभग 10-12 दिन यहाँ रखा जाता है। अच्छा, 10-12 दिन। हाँ, क्या कहते हैं जी, इसमें कंपोस्ट पकती है इसमें। हाँ ठीक है, और इसको हर एक दिन छोड़ के या दो दिन छोड़ के जी जी पलटाई चलती है। अच्छा, इसको पलटा जाता है? हाँ, उस मशीन की मदद से क्या? हाँ, जेसीबी के। अच्छा, जेसीबी की मदद से जी। फिर उसके बाद ये बगल में पैस्चराइजेशन चैम्बर है। अच्छा, ये वाला? हाँ। अच्छा अच्छा, इसमें पैस्चराइजेशन होता है लगभग 7 दिन। कितने टेम्परेचर पे भैया? 60 डिग्री सेल्सियस। 60 डिग्री पे इसको यहाँ से उठा के पीस में ले जाया जाता है। ठीक है, और ये भैया क्या कर रहे हैं? ये क्या कहते हैं, कंपोस्ट कम हो गई थी तो वही रुई डाल रहे हैं। कंपोस्ट हवा निकले ना। अच्छा अच्छा।